हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीपीएस गाइड। सो मेंस के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का नहीं है, यहाँ एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। और केवल टोटल 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमें यहाँ ये सोचने पर मजबूर कर देगा ये वाला क्वेश्चन, कि इसको अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है ना। देखिए, मैंने जो अप्रोच रखी थी, मैंने देखिए ब्लड रिलेशन जब भी आता है, और आपको बहुत बार अगर इस तरीके से मिलता है कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बहुत बार लाइन्स अगर दिख रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक यही सजेशन दूंगा आपको कि प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन विद सेटिंग अरेंजमेंट किसी की तरह मिलता है, और आपको बहुत कम लाइन ऐसे देखने को मिलती हैं, एक या एक बार देखने को मिलता है सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, तो आप एक अप्रोच कर सकते हो कि हाँ, मैंने क्या किया है, मैंने उसको अटेम्प्ट किया, क्योंकि वो आसानी से बन जाएगा। क्योंकि ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ पॉसिबिलिटीज बनाता है, डायग्राम बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है, तो हम उसमें ना टाइम वेस्ट करके अपना जिसमें हमको कम दिखे उसको हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। अच्छा, फैमिली ट्री पहले बनाना होता है ब्लड रिलेशन में, उसके बाद हम अरेंजमेंट पर भी ध्यान दें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं पजल एंड सेटिंग में, वो साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, और वही मैं चाहता हूँ आप लोग भी लेके चले, क्योंकि बहुत टाइम सेविंग होता है। तो अगर आप साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, बट मैं आज के भी सेशन में साइमल्टेनियसली लेके कुछ नहीं चलूंगा, मैं बस पहले फैमिली ट्री पे फोकस करूंगा, उसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन दी है मैं उन पर फोकस करूंगा। हालांकि यहाँ पे आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी जगह आपको बैठाना नहीं, बस आपको फैमिली ट्री बनाना है, बट कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वर्ड्स पे फोकस हमें करते हुए, ध्यान से चलते हुए इसको सॉल्व करना होगा, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला है यहां पे। देखो हम क्या कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि हम किन किन की पॉइंट्स को हमें नोट करके ऑब्जर्व करना है, कि ये चीज दी रखी तो इसका मतलब ये है, यही है, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे 8 मेंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 8 मेंबर, तो हमें इस तरीके से फैमिली ट्री बनानी है कि हमारे जो मेंबर्स हैं फैमिली में वो 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे देखा जाए कि हर एक एक मेंबर आपका डिफरेंट फ्रूट्स लाइक करता है, उसके बाद कहता है हर एक पर्सन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं। जैसे कि बी के पास है, अभी है, करंटली देखा जाए बी के पास 121 कॉइन्स हैं, एंड शी टेक्स 18 कॉइन, मतलब बी ने 121 में से 18 कॉइन्स तो रखे, तो जो बचे हुए थे उसने अपने हर ओनली सन, मतलब बी का एक लौता बेटा है, बी का एक लौता बेटा है जिसको मैंगो पसंद है, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बी एक फीमेल है। अच्छा एक बात बताइए, इसने कितने कॉइन्स रखे, इसने 18 कॉइन्स रखे, बाकी के तो उसने अपने सन को दे दिए ना जो मैंगो था। तो यहां पे आप एक काम करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे करते रहना, जैसे कि 121 में से इसने 18 तो रख लिए अपने पास, तो बचे हुए जो थे वो मैंगो के पास हैं, और बचे वो कितने थे, आपका आ जाएगा यहां 310, मतलब ये जो है करंटली अभी देखा जाए मैंगो के पास है, मैंगो वाले बंदे के पास कितने हैं, 103 कॉइंस हैं, बोलो हाँ यस। आगे पढ़ते हैं, द वन हु लाइक चेरी, अब हम आगे पढ़ रहे हैं तो हम किसको ढूंढेंगे, या तो कोई इंफॉर्मेशन मिली रहा है मैंगो से रिलेटेड, या तो कोई इंफॉर्मेशन मिली रहा है मुझे बी से रिलेटेड, हम उन 4 पॉइंट्स को उठाएंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, द वन हु लाइक चेरी, जिसको चेरी पसंद है वो रखता कितना है, लेता कितना है, 3/8 ऑफ द कॉइन, जितना जी के पास है। द वन हु लाइक एप्पल इज अ सिबलिंग ऑफ आर, अच्छा जिसको एप्पल पसंद है वो सिबलिंग है किसका, आर का, जो कि मदर है, आर का जेंडर पता चल गया यहां पे कि जो कि माँ है किसकी, जिसको ऑरेंज पसंद है। के ने 56 कॉइन्स दे दिए जी को, तो यहां से कुछ चीजें दिखी कि जी के पास करंटली कितने हैं, जब के ने दे दिया, के पास कुछ होगा, कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड, उसमें से उसने 56 कॉइन्स जी को दे दिए, समझना इस चीज को, हु इज अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, जी जो है मेरा अनमैरिड मेंबर है। एम हु लाइक्स मैंगो, अभी मैंने बताया था आपसे कि किस पे फोकस करना है, तो मुझे यहां पे दिख गया, यहां पे मुझे क्लियरली चीजें दिख गई
ये जो इसका बेटा था और एक ओनली सन था, उसको मैंगो पसंद है भाई, उसको मैंगो पसंद है। तो देखो बोला यहाँ पे, एम हु लाइक्स मैंगो टेक्स 12 कॉइन्स। तो इसने अपने पास कितने कॉइन्स रखे? इसने अपने पास 12 कॉइन रखे, तो 103 थे। उसमें से इसने एक 12 अपने पास रखे, 12 अपने पास रखने का मतलब हो गया 91, किसी और को दे दिए होंगे उसने, पर 12 तो इसके पास थे ना। क्यों? क्योंकि यहां पे इसने बोला। और जो बचे थे रिमेनिंग, अपने इसने नेफ्यू को दे दिए। नेफ्यू कौन था यहाँ पे? एच, मतलब एच का जेंडर पता चल रहा है। एच किधर होगा? यहाँ कहीं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कहीं ना कहीं एच होगा। आगे पढ़ते हैं क्या, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन के टू ई इज लेस देन 4, मतलब या तो देखो लेस देन 4 होना चाहिए, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, 4 नहीं होना चाहिए डिफरेंस आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु लाइक चेरी, जिसे चेरी पसंद है, इज ओनली मैरिड चाइल्ड ऑफ बी। समझने दो। द वन जिसको चेरी पसंद है वो ओनली एक लौता है मैरिड चाइल्ड है। किसका? बी का। बी का एक लौता मैरिड चाइल्ड है। तो बी का चाइल्ड है मतलब एम का वो सिबलिंग होगा जिसको चेरी है, और एक ये लौता शादीशुदा वाला बंदा है। बंदा है कि बंदी है बताइए? जब मैंने ये बताया कि बी का एक लौता बेटा होगा तो ये बंदी होगी, कोई लड़की होगी, फीमेल जेंडर होगा चेरी वाला। क्लियर है? द वन हु लाइक चेरी इज द ओनली मैरिड चाइल्ड ऑफ बी। क्योंकि यहां चाइल्ड वाला दिया था तो जेंडर नहीं पता था, बट हमें एक बात बता रखी थी कि बी का एक लौता बेटा है, तो मतलब इसकी बी के जितने भी अब चाइल्ड होंगे एम को छोड़कर वो सारी फीमेल्स होंगी, सारी फीमेल्स होंगी। ठीक है, बी हु लाइक्स बनाना, तो बी के पास तो बनाना जाएगा ना, बी के पास बनाना आएगा, बी के पास बनाना है। उसके बाद कि मुझे दिख रहा है कि एच कौन है, नेफ्यू है। किसका नेफ्यू है? एम का नेफ्यू है, मतलब वो एम का नेफ्यू है, तो वो एक ही पॉसिबल केस है, क्योंकि एक ही लोग शादीशुदा हैं। बी के जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो एक यही वाला चाइल्ड शादीशुदा है, तभी उसका कोई ना कोई नेफ्यू बनेगा। और वो कौन नेफ्यू है? वो एच नेफ्यू है, तो एच नेफ्यू है। समझ में आ रहा है चीजें यहाँ पे? एच नेफ्यू है, समझ रहा है यहाँ पे? अभी एच के पास कितने हैं? ये इतने हैं, 91 कॉइन्स हैं एच के पास, करंटली देखा जाए कैलकुलेशन में 91 कॉइन्स हैं। आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक चेरी इज ओनली मैरिड चाइल्ड ऑफ द वन हु लाइक एच टेक्स 8 कॉइन्स। तो इसने 91 था, 8 कॉइन रखने के बाद इसने 8 कॉइन अपने पास रखे, बाकी इसने आगे फॉरवर्ड कर दिए, किसी को दे दिए। अब किसको दिए भी पता लगाना जरूरी है। आपका हो जाएगा ये -7, 10 -7 is 3, नहीं 91, 3 हो जाएगा, तो हाँ 91, और 1 -7, -3, और ये 83, 83 कॉइन्स। बाकी का इसने किसको दिए हैं हमको नहीं मालूम अभी, आगे देखो। एंड गिव्स द रेस्ट टू हिज फादर हु लाइक्स लीची। तो इसका एक पिता, ये जो था लीची के पास उसने दे दिए। समझना यहाँ पे चीजों को। लीची कितना कितना दिया इसके पास? लीची के पास इस टाइम करंटली देखा जाए तो 83 है। समझना यहाँ पे चीजों को। अभी करंटली 83 है किसके पास? लीची वाले के पास। अब इसने भी कुछ रखा होगा अपने पास, और आगे बचे हुए कॉइन्स फॉरवर्ड किए होंगे किसी और को, हमें नहीं मालूम अभी। तो कहता क्या है, द वन हु लाइक गुआवा इज मैरिड टू द वन हु लाइक ऑरेंज। अब समझ लो यहां पे कि 8 लोग थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लोगों की तो आपने अरेंज कर दिया है, बाकियों को भी तो करना पड़ेगा। देखते हैं अभी। द वन हु लाइक गुआवा इज द मैरिड टू द वन हु लाइक ऑरेंज। ओके, गुआवा एंड द ऑरेंज शादीशुदा। पी इज वन ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। द वन हु लाइक पपाया इज मैरिड टू बी। तो मतलब 3 लोग शादीशुदा थे, जिन्हें 2 लोग तो हमने निकाल लिया ना, 3 लोग कैसे पता थे? ये देखो, 3 मैरिड कपल्स आर देयर इन ऑफ द फैमिली। तो पपाया से इसने शादी की, पपाया, ठीक, ये मेल मेंबर था कोई, मुझे नहीं मालूम अभी। आगे देखो। द वन हु लाइक पपाया इज मैरिड टू बी एंड टेक्स द रिमेनिंग 72 कॉइन्स फ्रॉम द वन हु लाइक लीची। ओके,
ये बहुत कंफ्यूजन वाली लाइन थी, बट यहां पे समझना भी था कुछ चीजें। इसने कुछ किया है, क्या किया है इसने? लीची से 72 कॉइन्स ले लिए। किसने? पपाया ने। पपाया ने 72 कॉइन्स ले लिए लीची से। तो लीची के पास 83 थे, उसने 72 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 8 में से 11 बचा। लीची के पास तो 11 बचे ना, लीची के पास तो 11 बचे। अब करंटली कितने हैं पपाया के पास? यहां ये समझने वाला है, पपाया के पास 72 कॉइन्स हैं। इसको हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। पपाया के पास कितने बचे? पपाया के पास अब हाथ में 72 कॉइन्स हैं। देखा जाए तो 6 लोगों की तो प्लेसमेंट हमने कर दी है, मेरे पास 8 लोग होने चाहिए थे, कैसे करेंगे? अब देखो, मुझे पता था गुआवा एंड ऑरेंज शादीशुदा हैं। आगे कहता है, आगे कुछ कहता है कि इनके बारे में कुछ बताया रखा है, द वन हु लाइक गुआवा इज मैरिड टू द वन हु लाइक ऑरेंज। ओके, अच्छा, आर गिव्स 2/3 ऑफ द कॉइन टू हर डॉटर इन लॉ। टू हर डॉटर इन लॉ मतलब आर क्या है? टू हर डॉटर इन लॉ, आर का तो जेंडर फीमेल हुआ ना, आर का जेंडर तो फीमेल हुआ। और आर क्या है? किस तरीके से किसी की माँ बन रही थी? कैसे? द वन हु लाइक एप्पल इज अ सिबलिंग ऑफ आर हु इज अ मदर ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज। एप्पल, ये अरेंज हम कहाँ कराएंगे बताओ? मेरे को कोई और पोजीशन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट एक्सेप्ट इस वाले को छोड़ के, इस चीज वाली पोजीशन को छोड़कर हम आर को कहीं और डाल ही नहीं सकते। आप कहीं भी डालना चाहोगे, नंबर ऑफ पर्सन जो भी हैं वो 8 से ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां कहीं डालना चाहोगे तो नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आर बनाओगे, फिर आर का भाई बनेगा, फिर गुआवा और ऑरेंज आएंगे, तो पोजीशंस खाली तो होनी नहीं है। पोजीशंस जो हैं यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगा, यहाँ कोई ना कोई आएगा, पर कौन आएगा अभी हमें पता लगाना है। यहाँ कोई ना कोई आएगा, कौन आएगा पता लगाना है। तो हमने ये देखा कि आर को सिर्फ और सिर्फ हम यहीं रख सकते हैं। आर, अब आर का एक चाइल्ड है ऑरेंज, तो ऑरेंज ही होगा। और इसने शादी की किससे? गुआवा वाले से, गुआवा वाले से। अच्छा, एच का जेंडर भी पता था ना, नेफ्यू है तो ये होगा, ये फीमेल। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और बंदा है, एक और बंदा। वो बंदा कौन है? वो जी है, क्योंकि एक वही एक है कि जो कि अनमैरिड है। जी है, वो अनमैरिड है, क्योंकि यहां बता रखा था कि गिव 56 कॉइंस टू जी हु इज अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली। अब वो जी किधर जाएगा, किस तरीके से वो बनेगा, किसका बनेगा, ये देखने वाला है। लेकिन यहां देखो क्या बोला है कि हु लाइक्स मैंगो, द वन हु लाइक्स एप्पल इज सिबलिंग ऑफ आर। सुनो, द वन हु लाइक एप्पल इज सिबलिंग ऑफ आर, दैट मीन्स आर तो ये बना दिया। अब आर का सिबलिंग मतलब आर का कोई ना कोई भाई बहन बंधु कोई तो होगा, वो बहन ही होगी। क्यों? क्योंकि आर किसका चाइल्ड है? बी का चाइल्ड। और बता रखा था बी का एक ओनली सन है जो कि एम है। तो मैंने बताया ये रहा एप्पल, और यहां आ जाएगा जी। तो अब बच कौन रहे? मुझे किन लोगों को मुझे प्लेस करना है, मुझे वो कौन लोग हैं जिनको मुझे प्लेस करना है? जैसे मैंने कभी ई नहीं लिखा, मैंने जैसे कि के नहीं लिखा, जैसे कि मैंने पी को नहीं लिखा, तो ये इनको मुझे डिसाइड करना है कि ये लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे हमको सोचने पे मजबूर करेगा मेरा दिमाग कि अब किस तरीके से इसको करें। पर आप एक चीज देख रहे हैं, मैंने अभी तक कॉइन्स पे भी ज्यादा फोकस नहीं किया। लास्ट कॉइन्स मुझे इतना पता है कि पपाया के पास 72 है, लास्ट कॉइन मुझे इतना पता है कि पपाया के पास 72 है, और मुझे ई के पी को भी अभी फिक्स करना है। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं हर एक चीज, उसके बाद मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि किस पॉइंट को अब मुझे पकड़ना है और मुझे किस तरीके से लगाना है कि ई के पी को मैं अरेंज कर दूं। मेरा फाइनल डायग्राम तो ये है ही है, क्योंकि 8 लोग को बनाना था, मैंने बना दिया, ठीक है ना। लास्ट मुझे ये बात पता थी कि पपाया के पास 72 है, क्लियर है। अब ये भी बात पता थी कि के ने 56 कॉइन्स दिए थे जी को, तो मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जी के पास अभी 56 होंगे होंगे। लेकिन फिर एक जगह और ये बात बोलेगी, द वन हु लाइक, जिसको चेरी पसंद है उसने लिए, किससे लिए थे? जी से लिए थे 3/8 ऑफ द कॉइन, किसके? ऑफ फ्रॉम जी। तो 3/8, तो 3/8 ऑफ जी मतलब मैंने लिया 8 7 7, 21 कॉइन ले लिए, 21 कॉइन मैंने ले लिए। 56 में से 21 कॉइन हटा दो, 6 में से 35 कॉइन, तो इसके पास बचे कितने? 35 कॉइन, 35 कॉइन।
अभी चेरी वाले के पास क्या है, 21 है, चेरी वाले के पास 21 है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसके पास 21 है। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन में ये बताते कि आर ने इस 21 में से 2/3 जो क्वाइन थे अपनी डॉटर इन लॉ को दे दिया, जो कि ये थी डॉटर इन लॉ। तो 21 में से 2/3 मतलब 3 बन जाती थी 7, 2 जा 14। आर ने 21 में से 14 क्वाइन दे दिए, किसको दे दिए? अपनी डॉटर इन लॉ को दे दिए। डॉटर इन लॉ कौन है? ये है डॉटर इन लॉ, 14 क्वाइन दे दिए। सुनते रहना यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद मुझे कुछ चीजें आ रही थी समझ में कि क्या आप कर सकते हैं। देखो इसका आपका आएगा कितना, यहाँ आ जाएगा आपका 1-4, दैट इज -7, नहीं 7 आएगा, नहीं हाँ 7 आएगा। तो ली चेरी के पास कितने कॉइन बचे? 7। अब मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं यहां पे कि अभी भी हम ई के पी को हम नहीं फिक्स कर पा रहे, पर हमने कॉइन्स को देखो हर एक कॉइन्स को कर लिया। तो अब ये अभी हमने इतना लिखा था, इसका कोई यूज था क्या? अभी तक कुछ नहीं था। इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा, इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा। पपाया के पास 72 तो हो ही नहीं, क्योंकि अगर हम सबका सम करें तो मेरे पास कितनी आती हैं चीजें, पहले ये देखो। तो जितनी आएंगी 121 में से उतना हटा देंगे, तो मेरे पास पपाया के पास करंटली उसने कितना रखा अपने पास इस 72 में से, कितना रखा और कितना दे दिया, ये सब चीजें हमको पता चल जाएंगी। तो देखते हैं 12 और 8, ये 20 हो जाएगा, ठीक। और ये 35 लिख लेता हूँ, ये 18 लिख लेता हूँ ये वाला, और ये 7 और 11 मतलब फिर से 18 लिख लेता हूँ, 18 हो जाएगा, और 14 लिख लेता हूँ, ठीक। 8 8 16, 16 4 20, और 1 5 25, 5 2 कैरी, 2 2 4, 4 3 7, 1 8, 1 9, 1 10, 101। 121 में से 105 अगर मैंने हटा दिया तो मेरे पास आ जाएगा 16 कॉइन्स। इसने अपने पास 16 रखे उस 72 में से। उस 72 में से कितना दे दिया, किसको दे दिया, ये हम जब 16 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। दैट इज -4 -4 = 6, और 6 -56 कॉइन्स। इस बंदे ने 56 कॉइन दिए होंगे, किसको? जी को। और ये लाइन कहाँ दी हुई थी? के गिव्स 56 कॉइन्स। तो ये हो जाएगा के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मुझे पता था कि के टू ई के बीच में लेस देन 4 का गैप होना है, तो ई या तो इधर आएगा या तो ई इधर आएगा। अब अगर हमने ये वाला गैप डिफरेंस देखा तो ये तो आ रहा है मेरा 5 का, जो कि लेस देन 4 होना चाहिए। तो वो मेरा कहाँ दिख रहा है? के और 14, के और 14 मतलब 16 14, मतलब 2 का गैप डिफरेंस दिख रहा है। तो यहां पे आ जाएगा ये ई, और जो बच रहा है मेंबर वो है पी, तो वो पी ये हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बताओ, ठीक है? इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही अप्रोच आप करो, क्या पता मेरी अप्रोच से आप एक अपनी खुद की अप्रोच बिल्ड करो, वो एक अच्छा चीज होती है। कि आप मेरी चीजों को बताओ मत जाओ, मेरी सी चीजों को बताओ मत जाओ, अपनी सी चीजें निकालो कि ऐसे भी कर सकते थे, सर से बेटर मैंने किया है। बस ये घमंड ले अपने अंदर। मैं ये नहीं उस फिर उस घमंड को दिखाओ मत, बस ये कि हाँ मैंने सर से भी अच्छा एक मेथड निकाला है, दैट्स इट, खत्म। मुझे बस वही चाहिए क्योंकि आप लोग अच्छा करो एग्जाम में, ठीक है ना? अब देखो मुझे एक बात बता था कि यहाँ पे जेंडर क्या हो जाएगा इसका, फीमेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक लौता बेटा ये, तो अब जो भी होंगे अब यहाँ सब फीमेल होंगे। देखो यहाँ पे सब चीजें मिल चुकी हैं, मुझे कॉइन्स मिल गए, सबके सबके कॉइन मिल गए, और सब 3 मैरिड कपल मिल गए, सबका जेंडर मिल गया। तो अब हम आराम से सबका आंसर दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आंसर करके बताओ, ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बताना ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था, अच्छा क्वेश्चन था, आपने कितना टाइम लिया इसको, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको किया है तो, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, सी यू।